आप सभी का 11@ में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां सीएम भूपेश बघेल गौधन न्याय योजना की शुरुआत। आपको बता दें कि हरेली महोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में हरेली महोत्सव भी है, जिसके शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इस दौरान वो हरेली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां रायपुर में सीएम भूपेश बघेल हरेली कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। उनके साथ तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं, जहां रायपुर के, जहां आपको बता दें प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल हरेली उत्सव में पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कृषि उपकरणों की पूजा की है, जहां उन्होंने आपको बता दें कि इस दौरान किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। और ऐसे में जो हरेली त्योहार है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली बार भी मनाया था, लेकिन इस बार कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में जो भी तमाम मंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल समेत, उन्होंने मास्क पहना हुआ है और हर तरह की
गाइडलाइन का पालन भी इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार उत्सव का आगाज हो चुका है और आज से गौधन न्याय योजना को भी लॉन्च करेंगे, जहां आपको बता दें कि सीएम हाउस में हरेली पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें सीधी आपको वहीं के दिखा रहे हैं सीएम हाउस के, जहां हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री इस दौरान वहां मौजूद हैं हरेली पर्व में। और हरेली पर्व कृषि उपकरणों की पूजा इस दौरान की है सीएम भूपेश बघेल ने, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। कई तरह के खेल उपकरणों का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लट्ठू भी खेलते हुए सीएम भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। जहां सीएम हाउस में हरेली पर्व मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व का आगाज हो चुका है। हरेली त्योहार के पावन अवसर पे आप सब लग गाड़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ में नवा बच्चर के पहली त्योहार अविला गांव-गांव में सब किसान मन मजदूर साथी मन सब मिलजुल के मनाते। जी हाँ, गौधन के पूजा होते, उन्हें हमार कृषि यंत्र मन के भी पूजा होते, चीला और गोबरा चढ़ाए जाते। राउत पहाटिया मन है घर घर जाके नीम के डारा खोजते, मवेशी मन ला लोंदा खवा थे, उमें कुछ जड़ी बूटी भी रहते ताकि कोई प्रकार की बीमारी हमार पशुधन ला मत होए। साथ ही नीम जिनके जेकर धुआं से जते कीटाणु है तेकर नाश होते, अवकर स्थिति प्रत्येक घर में गुर्रा में नीम के डारा खोचे जाते। ये हमार परंपरा छत्तीसगढ़ के प्रकृति के साथ साथ उकर जतेक भी हमार कृषि यंत्र है पशुधन है उकर पूजा के साथ साथ शुद्धता के भी ध्यान रखे गए है। ये पहले तिहार के सबो छत्तीसगढ़वासी मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन्हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस, ये गोधन न्याय योजना जिनमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही और उकर माध्यम से प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से गोबर खरीदे जाही और उकर गोबर से जतेक भी वस्तु बनते थे का निर्माण भी की जाही, जिसमें प्रमुख रूप से वर्मी खाद जिला 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शासन खरीद ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना, जहां गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी, उन्हें चरी चरागन कुलम होत्री से तीनों बंद हुई, फसल हम बरसात के फसल नहीं बचा पात रहे, अब हम 2 फसल और 3 फसल भी ले सकत हन, सड़क में जिन एक्सीडेंट होत्री दुर्घटना होत्री से ओकरों से बचत हुई और साथ ही हमारे कृषि के उर्वर जिन जमीन है भुइयां हैं हमर तेकर उर्वरा शक्ति बढ़ी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग कम हुई, ओकर से हमार जिन अनाज है
फल है, सब्जी है, ये शुद्ध हो ही, बीमारी भी कम हो ही, तो एक कार्य से अनेक विशाल हमन छुआ थन। हर ऐसे ये कृषि गोबर खरीदे से बहु आयामी हमारे कार्य हो ही, एक काम करे से बहुत अकन बात सधी और ओकर लाभ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर और वो व्यक्ति जेकर कर जमीन भी नहीं है, जेकर आय के कोई स्रोत नहीं है, यदि चाटक भी गरबा है तो कर 1,500 से 2,000 रुपया के हर महीना वो गोबर बेच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद दूसरी बार हरेली को राज्य सरकार एक उत्सव के रूप में मना रही है और इसका जो कार्यक्रम है हरेली त्योहार का आयोजित सीएम हाउस में किया गया है, जहां राज्य में आपको बता दें कि पारंपरिक त्यौहार हरेली की शुरुआत भूपेश बघेल राजधानी रायपुर से की थी, जिसके बाद आज दूसरी बार हरेली उत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां उन्होंने कृषि उपकरणों की पूजा भी की है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्सव में धूमधाम देखी जा रही है। कोरोना का दौर है, ऐसे में सभी ने मास्क भी पहना है, जो जरूरी गाइडलाइन और दिशा निर्देश है उसका भी पालन इस दौरान किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस उत्सव के लिए प्रदेश के सभी मंत्री और प्राधिकरणों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जहां हरेली उत्सव को लेकर किस तरह के क्या कुछ इंतजाम है इसके लिए कल एक समीक्षा बैठक भी की गई थी, जहां तमाम तरह की जानकारी साझा की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृत विभाग और कांग्रेस संस्कृति प्रकोष्ठ ने हरेली त्योहार के लिए तैयारी भी पूरी कर ली है और दूसरी बार भव्य रूप से मनाए जाने के साथ ही सीएम बघेल ने हरेली पर पिछली बार छुट्टी की घोषणा भी की थी, जिसके बाद हर बार आपको बता दें कि जब भी हरेली उत्सव होता है तो इसमें एक पारंपरिक ऑफिशियल ऑफ घोषित किया जाता है और ये पहला मौका होगा जब हरेली के उत्सव में ग्रामीण और किसानों के साथ सरकार भी इस दौरान शामिल होगी। और आपको बता दें कि यहां पर सजी मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी हैं, जहां इस दौरान 50 गेड़ी की व्यवस्था की गई है, वहीं 11 डांस ग्रुप के अलावा हरी साड़ी में सज धज कर 50 महिलाएं भी कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएंगी।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ में आज से गौधन न्याय योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना को लॉन्च किया है। सीएम हाउस के बाद पाटन में हरेली कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और किस तरह से क्या कुछ तैयारी की इसकी जानकारी भी उन्होंने ली है। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरेली उत्सव को एक धूमधाम से मनाया जा रहा है।